इस गत में, इस देह में, इस स्थूल काय में जो सूक्ष्म रूपी आत्मा है, उस आत्मा को प्राप्त करने के लिए, उस आत्मा को जानने के लिए साल में एक बार भाद्रपद मास पंचमी से लेकर आज के चतुर्दशी तक 10 दिन का पर्वराज पर्योषण दश लक्षण महापर्व आते हैं। आप बहुत पुण्यशाली हैं। क्यों? दो दो तीन तीन साल ऐसे सबको मिलके सुनने के लिए किसी को मिलाता मिलाता। देखो आप, आपका इतने पुण्य उदय जागते हैं, पर्वराज पर्योषण का भी लाभ लिया और अनंत चतुर्दश को, चौदस को, चौदस सुन रहे ना, चौदस है हमारे धर्म में। अष्टमी और चौदस को बहुत महत्व दिया गया है, अनशन करने के लिए, रोष उपवास करने के लिए प्रेरणा दिया गया है। मैं बहुत सुना है और मैं संकल्प भी किया था, बच्चा बच्चियों से हार ले रहे हैं, अच्छे संस्कार हो, प्रभाव अच्छे हो रहे हैं, मैं ऐसे भाव करते करते हार ले रहा था, मैं तो पेट में डाल रहा हूँ। जो जो अनशन कर रहे हैं, जो जो उपवास कर रहे हैं, जो जो उन्होंने तप कर रहे हैं, वो सब भक्त का पेट भर जाए, उनकी साधना अच्छा हो जाए, अनुकूल वातावरण बन जाए। 10-10 दिन के लिए छोटा छोटा बच्चा बच्ची भी व्रत किया है, एक बार सभी व्रतियों को जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करो। तो नहीं किया है उनके लिए मैं आशीर्वाद है, भविष्य में जो जो ताली बजा के अनुमोदन किया है ना, आपको भी वो शक्ति प्राप्त हो जाएगा। क्यों? अच्छा काम के लिए अनुमोदन करना भी सबसे पुण्य का कारण होता है। मनुष्य नहीं, पशु होकर मुनिराज को आदान का अनुमोदन किया, अनुमोदन का प्रतिफल कीर्तन करके भी आगे मोक्ष को प्राप्त कर लिया। आहार देने वाला कीर्तनकर बने हैं, आहार देखने वाला मेरे। कल से आपका भी दरवाजा खोल चुका है, कल से आप धाम घर में, आज तक था, कल से सभी को जोड़ी में, सिंगल श्रावक में, श्राविका प्रतिमादारी व्रती जो भी है सब दान दे सकते हैं, इसका विकल्प नहीं। पर 10 दिन तक जो लाभ मिला, आप आपके बच्ची से, बच्चा से पूछो, आपको भी ऐसे लगा रहा होगा, आपके जीवन में भी ऐसा अवकाश मिला नहीं था, आपसे भी भाग्य आपके बच्चों को उदय आ गया, ऐसे साथ से पुण्य कमाने का योग मिल गया। आचार्य भगवंत कहते हैं ये पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय चल रहा, तो ऐसे पुण्यानुबंधी पुण्य क्यों? परोरा जो चल रहा है, पर्युषण चल रहा है, सबसे श्रेष्ठ पर्व, ऐसे मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र नमोकार है, कीर्तों में श्रेष्ठ स्मित सब में शिखज है, ध्वजों में श्रेष्ठ ध्वज केसरी जैन धर्म मूल ध्वज है, ऐसे पर्व में श्रेष्ठ पर्व महापर्व दश लक्षण है। इस पर्व में और महावृति वो भी वर्तमान में 5 परियोष्टियों में 3 परमेष्टि युक्तिमान है, अर्हंत और सिद्ध नहीं है। चतुर्थ काल में भी सिद्ध का दर्शन प्रत्यक्ष नहीं होता। अगर सिद्ध परमेष्टि का दर्शन करना चाहते हैं तो आपको भी पहला सिद्ध बनना पड़ेगा। आप सिद्ध बने बिना सिद्ध परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। पर वर्तमान में अर्हंत का भी अभाव है, मात्र 3 परमेष्टि विद्यमान आचार्य उपाध्याय साधु, उस 3 परमेष्टि का दर्शन सेवा सौभाग्य इसको मिलता है जिसके पुण्य जाग होता है। मैं नहीं कह रहा, आचार्य भगवंत ने कहा है, तो कि पुण्येन लभ्यते साधु दर्शनम। आज तो 14 हैं, आप ऐसे भाव करो, कल आप पारना करने वाले हैं और अच्छे अच्छे लोग उसका बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्था भी कर रहे हैं। हम तो उपवास नहीं कर पाया, हम तो व्रत नहीं कर पाया, बच्चा बच्चे लेकर बड़े बुजुर्ग तक लोग कर रहे हैं, जो जो व्रत किए हैं उसको उपवास छोड़ने के शुद्ध आहार हम देंगे, उन
का सम्मान करेंगे। ये भाव किया है अब जो जो व्रत किया है ज्यादा से जब पार भरे हैं उसके लिए विशेष सम्माननीय होने वाले हैं। इधर तो पंचायत में सम्मान करने वाले हैं, गुरु के पाद कुल में इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग के देवता भी आपको वेलकम कहा रहा है, स्वागत दे रहा है। ऐसे धरती पर हीन सहन होते हुए भी ऐसे पंचम काल में भी बार 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 मुंशी पार्टी के पी जैसा पेट बन गया है, ऐसे काल में भी व्रत लिया है, आपको मैं प्रणाम करता हूं। ऐसे स्वर्गीय देवताओं भी आपके लिए हाथ जोड़ रहे हैं, आपके स्वागत के लिए पुष्पमाला पकड़ के तत्पर रहे हैं। क्यों? जो व्रती होता है नियम से वो सद्गति को प्राप्त कर लेता है। व्रत आत्मा के परम कल्याण के लिए हुआ करता है। ऐसे श्रेष्ठ व्रत आपने इस पर्वराज परमेश्वर ने किया है। इस चौदस के निमित्त से मैं ऐसे आशीर्वाद दूंगा आज इस भगवान के निर्वाण कल्याण पूजन के। आपने देखो वासु पूज्य भगवान का कल्याण किया है निर्वाणक बोलने के धूमधाम से निर्वाण कल्याण की पूजा को निर्वाण लाड़ू निर्वाण फल का अर्पण किया है। और वासु पूज्य भगवान का पांचों कल्याण एक ही नगर में हुआ है चंपापुर। 24 तीर्थंकरों में एक में तीर्थंकर है, ऐसे सुन रहे ना, 24 तीर्थंकरों में एक मेव तीर्थंकर है वो वासुकुज भगवान, उनका पांचों कल्याण एक ही नगर में हुआ है। अब वर्तमान में भारत में एक ही नगर ऐसा है कटनी, उधर परिषद पर्व में बालक बालिका आचार्य भगवान को प्रणाम करके आहार दान देने का सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्राप्त किया है। आप ऐसे मत सोचो आहार देने वाला श्रेयांश राजा को भरत चक्रवर्ती आकर क्या किया था, क्या किया था मालूम है आपको? आलिंगन किया था। क्या बोलते आप हिंदी में? गले लगाया था। किसको? श्रेयांश राजकुमार को। कौन? चक्रवर्ती। वाह, ऐसे पुण्य का प्रभाव होता है देखो। इसलिए आज आपके नगर के अध्यक्ष महोदय आए, चाचा मैं उसे कहूंगा आप स्टेज पर खड़े होकर बाद में सबको क्षमा याचना करके सबको धन्यवाद देंगे, हमारा तो शरीर स्वास्थ्य अच्छे नहीं है फिर भी आप जैसे साधना नहीं कर पाया, आप गुरु की सेवा भी किए हैं और स्वयं व्रत भी किए हैं, ये नगर का गौरव है और हमारा समाज का हमारा धर्म का हर आत्मा का कल्याण का योग आ चुका है। देखो पांच कल्याण एक ही नगर में हुआ था, ऐसे पुण्यशाली नगर चंपापुर रहा। आज उन्होंने पांचवा कल्याण निर्वाण कल्याण को प्राप्त कर लिया। आज मैं भी आशीर्वाद देता हूं, थ्रो मेरा डायरेक्ट नहीं है, इसके साथ देता हूं, ये मेरा नहीं है, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर भगवान का है। मेरे दोनों हाथों के साथ आचार्य भगवान का प्रीति से आपको आशीर्वाद दियो या नहीं दियो, अपना देव बोले पुण्य भी देने वाला हूं। मैं आशीर्वाद में कभी कंजूस नहीं बना है। अब आशीर्वाद दर्शन करे ना करे मैं तो आशीर्वाद देता हूं। क्या आशीर्वाद दे दू? आज 14 है और वासुपुंज भगवान का पांच कल्याणक हुआ, पवित्र उसमें पंचम कल्याण का दिन है। और क्या विशेष है? दश लक्षण में अंतिम लक्षण ब्रह्म तत्व प्राप्ति का अर्थात अरिहंत पद प्राप्ति का परमात्मा पद प्राप्ति का संदेश देने का पर्व है। इस 14 के निमित्त से मैं ऐसे आशीर्वाद देता हूं आपके आत्मा शीघ्र 14 गुण स्थान चढ़ के शिक्षक को प्राप्त करे और 14 रज्जु के ऊपर जो सिद्ध शिला है अष्टम भूमि है ईशत प्रापार भूमि है मोक्ष है
उस मोक्ष में आपका आत्मा विराजमान हो जाए। यही मंगल भावना के साथ 9 गुंडले 18 गुंडले 27 गुंडले 36 गुंडले 45 गुंडले 54 गुंडले 63 गुंडले 72 गुंडले 81 गुंडले 90 गुंडले 99 गुंडले 108 गुंडले 1008 गुंडले शतकोटि गुंडले अनंतानंत सद्धर्म वृत्तिरस्तु आत्मकल्याणमस्तु शिवसौख्य प्राप्तिरस्तु सर्व कार्य सिद्धिरस्तु सद्धर्म वृत्तिरस्तु मंगलमय आशीर्वाद। ओम नमः। आचार्य नंद जी को लग्न भूषण जी महाराज की।